हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको देखिए इस तरीके की ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। इसकी मैंने ये जो अपर वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये मैंने अपलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी। इस ड्रेस का बैक पार्ट देख सकते हो आप, बैक साइड से ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। आप इस ड्रेस में देखिए कितना वॉल्यूम है, तो आप इस तरीके की ड्रेस ज़रूर बनाइएगा। इसकी मैं कुछ थोड़ी सी जो इसका अपर पार्ट है मैं उसका थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर डिटेल वीडियो देखनी हो। आपको सबसे पहले ब्लाउज़ का पीस लेना है। इसमें मैंने देखिए वन टक्स के लिए बनाया था। अब देखिए मैंने जो फ्रंट पार्ट रहेगा उसके ऊपर हमें ये जो नेट वाला फैब्रिक था मेरा, इसको हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसमें छोटे छोटे करके प्लेट्स बना लेनी है पूरे एक साइड पे, हाफ साइड पे आपको एक साइड पे इस तरीके से आपको इसको पिनअप कर लेना है, प्लेट्स बनाते जाना है और ऊपर साइड पे और बॉटम्स के साइड पे पिनअप करते जाना है। तो देखिए इस तरीके से हम ये पूरे पे पिनअप कर लेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपको इसकी फुल डिटेल वीडियो देखनी हो तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये हम इसमें प्लेट्स लगाते जाएंगे। आप इस तरीके से भी नॉर्मल ब्लाउज़ पे इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं अपनी ब्लाउज़ को। ब्लाउज़ को जो है गाउन का लुक भी दे सकते हैं या फिर आप लहंगे के साथ भी वेयर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से ये अच्छे से मैनेज करते जाना है और इसको पूरा हम पिनअप कर लेंगे। देखिए यहाँ से भी पिनअप कर लिया और जहाँ तक मतलब आपकी जो ब्लाउज़ का साइड है वहाँ तक आप इसको इस तरीके से प्लेट्स लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये प्लेट्स लगा लिए। प्लेट्स लगने के बाद ये जो ब्लाउज़ है मेरी वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी हाफ साइड पे। अब मैं आपको इसको टर्न करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से नज़र आएगी। फिर इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी होगी और सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड पे भी बनानी है। तो पहले मैं इसको टर्न कर लेती हूँ। देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से हम कट कर लेंगे। इसको आप सीधे साइड से नहीं, आप इसको रॉन्ग साइड से मोड़ के करोगे तो जो आपने प्लेट्स बनाई हैं वो आपको नज़र आएंगी और आप अच्छे से इसकी कटिंग कर सकेंगे। तो इसलिए इसके इस तरीके से उल्टा साइड बिछा लीजिए, फिर इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे फैब्रिक को और कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये कट कर लिया। सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड वाला जो हाफ है वहाँ पर ये प्लेट्स लगानी है। तो प्लीट्स को हम अंदर साइड को रखेंगे। देखिए ऊपर साइड मैंने पिनअप किया, इसको हम अंदर रखा मैंने और ऐसे ही पिनअप करते जाना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल आसानी से ये पिनअप होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है तो ये इस तरीके से ओपन रहेगा। अब आसानी से इसमें प्लीट्स बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये पूरे पे हमें ये प्लीट्स को बनाकर रेडी कर लेना है। ये देखिए आप पिनअप करते जाएंगे, अगर आप बिगनर है तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इस तरीके से पिनअप करने के बाद सिलाई लगा सकते हैं। तो पहले मैं इसे अच्छे से एडजस्ट करूँगी। एडजस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा वो हम कट कर देंगे। देखिए ये मैंने जो मेरी मैं इसको मैंने बता रखा है कि कितना हमें फैब्रिक चाहिए होगा एक्स्ट्रा, तो आप ले सकते हैं इस तरीके से। मैं आपको इसमें जो नीचे का पार्ट है उसको बताने के लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा दिखा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए और आप भी आसानी से इस ब्लाउज़ को टॉप के साथ नीचे के स्कर्ट के साथ बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये मैंने रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद देखिए यहाँ पे गैप है, अब हम इसको पूरे पे स्टिच कर लेंगे ये जो साइड है हमारा ये, ताकि ये फिक्स हो जाए निकले नहीं। तो इसको हम अच्छे से पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ। देखिए इस पर मैंने ये सिलाई लगाकर इसके शोल्डर को भी ज्वाइन कर लिया था। अब हम इसे सीधा करेंगे। देखिए इस तरीके से ये मैंने सीधा कर लिया। अब शोल्डर देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल तरीके से फिनिशिंग आई है इस पर। अब देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया। अब इसके जो एजेस हैं आप किसी चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं और नॉर्मल इसके ऊपर हमें साइड की फिटिंग लगानी है और सिलाई करके इसको रेडी कर लेना है अपर वाले पार्ट को। तो देखिए इस तरीके से आप मिड में रखिए और निशान लग के लगा कर सिलाई कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने ब्लाउज़ कंप्लीट कर ली थी। अब हमें इसमें जो है नीचे का और इसके साइड मैंने ज़िप लगाई थी, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ज़िप लगा कर इसको कम्प्लीट कर लिया था।
अब जो नीचे वाला पार्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो इसी फैब्रिक का बचा वाला पार्ट था, इस तरीके से मैंने इसे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। जो इसकी लेंथ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो इस टॉप नीचे का जो स्कर्ट की जो लेंथ रखनी है वो मैंने 22 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और मेरा 16 इंच का अपर पार्ट था, तो इस हिसाब से आपको रखना है। आपको लॉन्ग रखनी है तो लॉन्ग बना सकते हैं, शॉर्ट बनाना हो तो शॉर्ट बना सकते हैं। जो वेट वाइज इसमें हमें प्लेट्स लगानी है, आप गैदरिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दो इसमें सिलाई लगा रखी है, तो इसमें बहुत अच्छे से गैदरिंग होकर आएगी। आप चाहे तो तीन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो लगाएंगे तो बहुत अच्छे से गैदरिंग बन के आएगी। तो देखिए दो थ्रेड को पकड़ेंगे इस तरीके से, और साथ के साथ इसमें फैब्रिक पे गैदरिंग कर लेनी है हमें। देखिए इस तरीके से हमें ये फैब्रिक को खींचते जाना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें गैदर्स होते जाएंगे। ये देखिए हम इसको अच्छे से पूरा, जितनी हमारी अपर पार्ट जितना है उसके हिसाब से आपको इसमें गैदरिंग कर लेनी है। जो मेरे फैब्रिक की विड्थ थी वो डबल का भी डबल थी, इस तरीके से मैंने लिया था ये फ्रंट साइड के लिए और बैक साइड के लिए। दोनों पीसेस मैंने अलग अलग लिए थे सेम मेज़रमेंट के। तो इस तरीके से, और जो हमारी लाइनिंग कटेगी, आप पहले फैब्रिक को थोड़ा सा इसमें गैदरिंग कर लीजिए। गैदरिंग करने के बाद फिर उसके बाद आप लाइनिंग की लाइनिंग में भी थोड़ा सा कट करने के बाद, इसमें भी गैदरिंग करने के बाद आप अच्छे से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेम जितना फैब्रिक है आपका, जो नेट का फैब्रिक है, उतनी ही मंद लाइनिंग कट करिएगा, आप उसे कम कट करिएगा। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया, हम पहले चेक कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से ये हो रहा है, तो दूसरा वाला पीस भी हम सेम ऐसे ही तैयार कर लेंगे लाइनिंग के साथ। तो मैं आपको ये पूरा रेडी करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने लाइनिंग भी इसमें स्टिच कर लिया है फैब्रिक के साथ पे रख के, इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल लहंगे या स्कर्ट की बनाते हैं वैसे ही हमें ये बना लेना है। अब देखिए हमें जो अपर पार्ट है उसको हम इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर और चेक कर लेंगे। आपका जितना भी मेज़रमेंट हो अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। अब पहले हमें इसकी साइड की सिलाई करनी है, तो लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख के स्टिच करना है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इसके ऊपर मैं इस तरीके से रख कर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। तो ऊपर तक हम इस, ये मैं नीचे साइड से सिलाई लगा रही हूँ। देखिए ये मैंने स्टिच कर लिया, इसको हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे ताकि जो हमारा मेन फैब्रिक है वो इसके अंदर स्टिच होके नहीं आए। तो मैंने लाइनिंग को सिलाई कर ली है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको भी हमें सेम ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। इसमें भी मैंने हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरीके से रखते जाएंगे और इसके ऊपर हमने नॉर्मल सिलाई लगा ली है। तो ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों पीसेस पे सिलाई लगा ली है साइड से भी। तो ये इस तरीके से राउंड होकर आएगा। अब हमारा जो अपर पार्ट है उसको हम सीधा कर लेंगे। जो मेरी स्कर्ट का पार्ट है वो मैंने उल्टा रखा हुआ है। अब हम इस वाले पार्ट को हम इसके अंदर रखेंगे। देखिए जो वेस्ट वाला साइड रहेगा वो ऊपर साइड पे रहेगा। और देखिए जो मैंने सिलाई लगा रखी है मिड की, उसको सिलाई से सिलाई मिला के रखेंगे। दोनों साइड की सिलाई को सिलाई से मिला कर रखना है। अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। पहले मैं इसे यहाँ पे देखिए एक पिन लगा कर इसको सिक्योर कर लूँगी ताकि मुझे यहाँ से जो फैब्रिक है मेरा सिलाई वाला वो खिसके नहीं और मुझे इसमें दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पे पिन कर लेती हूँ। सेम ऐसे ही दूसरे साइड पे भी हमें रख के पिनअप कर लेना है। देखिए यहाँ से रखा हमने बराबर, यहाँ पे भी पिनअप कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने पिन लगा कर सिक्योर कर लिया है। अब हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो पूरा इसके राउंड में हमें सिलाई लगा लेंगे और जो नीचे का जो बॉटम रहेगा वहाँ पे मैं पीको कर लूँगी। आप चाहे तो नॉर्मल सिलाई भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर से रखा। बराबर से रखने के बाद अब हमें इसके ऊपर रख के इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। ये देखिए इसको हमें राउंड में रखते हुए जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा रही हूँ। इसमें प्लीट्स जो है आपने जो गैदरिंग करी है वो मुड़ना नहीं चाहिए, तो इसका ध्यान देते हुए आपको इसके ऊपर
सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो दो बार भी इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर से रखा मैंने, यहाँ तक पूरा फिक्स कर लेंगे, पूरे राउंड पे इस पर सिलाई लगा लेनी है हमने। तो इस तरीके से हमें ये पूरे पे सिलाई लगा कर रेडी कर लेना है इसको, और आप चाहें तो ऊपर साइड पे इंटरलॉक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है, अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से फैब्रिक को सीधा करना है। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं जो ऊपर का डिज़ाइन है वो कितना अच्छा सा दिख रहा है। ये आप इस तरीके से कोई सी भी ड्रेस बना सकते हैं, ये मेरी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनकर इस तरीके से नज़र आएगी। ये विदाउट कैनकन भी इसमें वॉल्यूम है, आप इस तरीके से देख के बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने ड्रेस बनाकर रेडी कर ली थी। इसका बैक का व्यू दिखा देती हूँ मैं आपको, इसका जो बैक का व्यू रहेगा, और साइड में मैंने इसमें ज़िप लगा रखी थी तो आप वो भी देख सकते हैं। इस तरीके से ये मैंने कंप्लीट कर ली अपनी ड्रेस को। तो आप भी इस तरीके की ड्रेस ज़रूर बनाइएगा, इसका बैक का व्यू कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अगर आप इसमें बो बनाना चाहते हो या फिर बेल्ट बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हैं। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।